फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद आज तक पर पप्पू यादव एक्सक्लूसिव डेथ थ्रेट्स। वो अब अपने एक्सक्लूसिव्स दे रहा है यार। चलो देखें क्या बोल रहा है। तो वीडियो शो करते हैं। वीडियो शो करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे देखना है कि कोई इससे ये पूछता है कि भैया तुमने जो फोन पे बात कर रहे थे उसमें तुम खुद ही थे, तो तुमने क्यों बोला कि मैं ये पप्पू यादव का पीए बोल रहा हूँ। मुझे देखना है कोई ये क्वेश्चन पूछता है उससे कि नहीं पूछता है। तो चलो शुरू करें। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आ रही धमकियों पर इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान छह बार के सांसद, पूर्णिया से मौजूदा सांसद पप्पू यादव जी, निर्दलीय सांसद हैं, वो जुड़ रहे हैं आज तक पर। पप्पू जी बहुत स्वागत है कार में से। प्रणाम प्रणाम। धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी धनतेरस और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हुआ क्या था पहले जरा समझाइए, क्योंकि बहुत सारा ऑडियो वायरल चल रहा है। क्या हुआ था, फोन पर आपको क्या कहा गया, किसने कॉल किया, क्या किया? देखिए मेरे बारे में आपको पता है कि जब कोई जरूरतमंद कभी हालात कभी बाढ़ आए तब मैं पिताजी की सभा छोड़ के चला गया और 12 दिन हम नहीं लौटे। कोरोना में आपको पता है 9 महीना मैं घर नहीं लौटा। आपको उस तरह सदन के बाहर आपको पता है कि जो पब्लिक इश्यूज होते हैं या जो इस तरह की कोई पब्लिक सिंपैथी इश्यू होते हैं उसको मैं ज्यादा शेडी बैकग्राउंड में बोलता हूँ। फिर वो क्या, जब समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए ना। जैसे हम तीर धनुष के युग में तो है नहीं, हम हमारे पास संविधान भी है, लोकतंत्र मजबूत भी है, कानून भी है। और जब वो तुमने देखा तुमने कैसे उसको यूज किया कानून को, या कोई माफिया है, पैसे वाला है, ओह यस, कोई भी व्यक्ति की टी-शर्ट पहनी हुई है, देश से बड़ा, संविधान से बड़ा, लोकतंत्र 8-10 हजार रुपए से कम की नहीं होती ये टी-शर्ट। व्यक्ति हम हो या कोई आदमी किसी भी संस्था को नष्ट करता है या कहता है कि हम इसको लूट लेंगे या हम इसको मार देंगे, तो ये देश के कानून और संविधान के लिए खतरा है और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा। इसीलिए आप लिखे थे सलमान खान के लिए कि मैं हूँ ना धमकियों के बीच। नहीं, मैं सलमान खान के लिए ही नहीं लिखा। आप याद करिए, जब भी कोई घटना घटती है, पटना का बाढ़ हो, कोरोना हो, मैं सबके लिए जाता हूँ, मैं सबके लिए काम करता हूँ, हम सबके लिए जीते हैं। करनी सेना के परिवार में लोगों की मौत हुई, लेकिन किसी के निजी दुश्मनी क्या है उससे पप्पू यादव को कोई मतलब नहीं। कौन लड़ेगा और सरकार बचाएगी या सरकार मरवाएगी या कानून बचाएगा या कानून छोड़ देगा, तो यदि हमारी न्याय व्यवस्था क्या बचाएगा छोड़ देगा, एक ही बात ही है। टू लेट है ना, लिखने से पहले सोचना चाहिए सब चीजें। रहने जीने का कोई औचित्य नहीं बचता। पप्पू जी, अब मेरा अगला प्रश्न यही है कि आपने लिखा मैं हूँ ना। अब देखिए, बतौर सांसद आप निर्दलीय सांसद चुने गए, अब सांसद होते हुए आप लिख रहे हैं सलमान खान के लिए, एक सेलिब्रिटी के लिए कि मैं हूँ ना, और फिर जब उधर से धमकी आती है तो आप अब गृह मंत्रालय से अपनी सुरक्षा के लिए में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। पहले तो आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। जब ये धमकी सब आई थी, ये मेरे ट्वीट के बाद आई थी, कनाडा से, अन्य जगहों से। हम धमकी के बाद बम्बई गए, हम सुरक्षा धमकी के बाद बम्बई गए। क्या तो ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं समझे हम क्या बोले। आप बिल्कुल नहीं समझे हम क्या बोले, और बिना रिसर्च में बैठती नहीं हूँ। आप भी पप्पू जी मुझे जानते हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपने एक वक्त पे कहा, सुनिए ना पप्पू जी आपने ही लिखा ना मैं हूँ ना, एक दो कौड़ी के गैंग को आप देख लेंगे। अब आपको अपनी सुरक्षा में इजाफा के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है ना गृह मंत्रालय को, क्योंकि रियल थ्रेट है सर, हम सब चिंतित है। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, बोलिए, सबको एक घाटी में नहीं घाटी है। जब भी इस देश के किसी भी, चाहे नेता हो, पत्रकार हो, रेमडेसिविर हो, चाहे कोई हो, जब भी किसी के लिए जरूरत की बात आती है मैं परिवार के नाते खड़ा होता हूँ। तो लॉरेंस के लिए खड़े हो ना, उसको इंसाफ मिले। माजी के परिवार को आजीवन देने की बारी हो, जो माउंट हो, चाहे भूज हो, चाहे जब भी कोई घटना इस देश में, देश में घटना होते मैं खड़ा होता हूँ। पप्पू यादव वहाँ पहुँचते, अच्छा, इसके पहले भी बम्बई में जब सुशांत सिंह के टाइम पहुँचे थे तो पप्पू यादव पहले पहुँचते। जी, जब हम जब ट्वीट किए थे वो ट्वीट 15-20 दिन पहले का, और ट्वीट के बाद हमने यह कहा था कि एक ऐसा नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क, जब देश में सरकार शासन प्रशासन से बड़ा हो जाए,
तो फिर देश खतरे में पड़ जाता है। तो इसीलिए कानून यदि इजाजत हो तो ऐसे नेटवर्क खत्म किए जा सकते जी। दो कौड़ी का कुछ बोला था ना उसके बाद ही हैड कॉल्ड आउट लॉरेंस। हम ऐसी चीजों में नहीं करते, हमें निजी किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कोई आते है कहीं बैठ करके मैं उसको भी मारूंगा, मैं उसको भी मारूंगा, मैंने इसको मारा, मैं उसको मारा, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो मुझे लगा कि यदि मैं भी आज मुख दर्शक बने रहूंगा तो आने वाले पीढ़ी कहेंगे आप क्या कर रहे थे, आपने कोई अच्छी चीजें लिखी कि नहीं, कोई ट्वीट किया कि नहीं, आपने कोई बात अच्छी चीज लिखी थी, धमकी नहीं देनी चाहिए थी उसको। घटना घटी थी करनी सेना की तो सदन में ये बात मैंने उठाया कि ऐसी मौत क्यों। तो आप इसको समझिए, जब हम उसके बाद बम्बई गए बाबा सिद्दीकी जी के घटना में, बाबा सिद्दीकी जी के घटना में जो पति थे उसके लिए, उनके बच्चों से मिलने के लिए, तो मैंने निश्चित रूप से सभी लोगों से बातचीत की और मैंने यह बात जरूर कही कि भैया इस देश में जो संविधान और कानून का देश है वहाँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा बड़ी बात मैंने कह दी इस तरीके से कही, दैट वाज अ प्रॉब्लम। सुरक्षा की जहाँ तक सवाल है जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे पहले भी वर्ल्ड ट्रेड सुरक्षा थी, मैं लगातार सदन सदन के बाहर माफिया अपराधी मेडिकल सिस्टम क्या जिले में, अभी शराब में लोग मर गए तो हम वहाँ शराब माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़े, आवाज दिए, 112 लोगों की मदद किए, बांध माफिया और नदी माफिया के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो सवाल सुरक्षा का नहीं है, मैंने भी मंत्रालय और लोगों मैंने ये लिखा कि अमुक 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 डेट में 10 बार रात में भी मलेशिया से जब हम कल हेमंत जी के साथ थे, कल्पना सोरेन जी के साथ थे और हमारी जिम्मेदारी जनता के बीच में, अभी मैं 10,000 आदमी के बीच में था, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है, मैं सुरक्षा लेके नहीं चलता हूँ। नहीं तो वाई कैटेगरी आपके पास है या नहीं है पप्पू जी, और है तो फिर क्यों आप उसको जी, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, आप देख लेना कहाँ पर मेरी सुरक्षा होती है। वाई कैटेगरी नहीं है, कंगना जी से लेकर के और देश के जो सत्ता में है और जो लोग सच नहीं बोलना जानते हैं, झूठ की थी उनसे भी पंगे ले रहा है, पत्रकार के पदों पर हो चाहे कोई छोटे पदों पर हो, उनको जेट प्लस मिल गई। मैंने जब एक बात लिखी सवाल सुरक्षा का, आप मत दीजिए, आप ये भी सुरक्षा लौटा लीजिए, मैंने तो लिख दिया चिट्ठी ये सुरक्षा लौटा लीजिए, मुझे आप जैसे लोगों की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सियासत और विपक्ष के बीच सुरक्षा नहीं चाहिए, बालक बना है। अच्छा जो सच बोल पप्पू जी, आपने आज अब चिट्ठी लिखी है कि मेरी सुरक्षा वापस ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये चिट्ठी आपकी है या नहीं है? देखा गुड, इसको चिट्ठी है, पकड़ लिया। गृह मंत्रालय को आपने चिट्ठी लिखी है कि मेरी सुरक्षा बढ़ाकर जेड, रुकिए ना सर, सवाल तो होने दीजिए, दर्शक भी समझेंगे ना कि जेड कैटेगरी की बोलने नहीं देगा चाहिए। जी सर, अब बोले पहले वो चिट्ठी का डेट पढ़िए आप कब की है, जब हमें धमकी मिली थी और बम्बई आने से पहले। अच्छा, और अब जो मैं चिट्ठी लिखा हूँ वो लिखा हूँ कि यदि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है और इस देश के सियासत और जाति के नाम पर कुंडली करने वाले और सियासत की गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को यदि सिर्फ इसी में आलोचना ढूंढना है, एक व्यक्ति को लगातार कनाडा से लेके मलेशिया से लेकर के अमन शाह और अंकित गुरु कल अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि पप्पू यादव चुदुर बुदुर मत करो, एक एमपी जो 7 बार रहा हो, उन्होंने अपनी बात गृह मंत्रालय तक पहुंचा दी और 10 दिनों तक टीएम से मिलने का प्रयास किए, चीफ सेक्रेटरी को बोले, बीजेपी साहब को मिलने का मौका भी नहीं मिल रहा, आजी को बोले, सारे एसपी को लिख के दिए और सब ढूंगा बहरा बना रह गया। देखा प्रॉब्लम को, ये हो रही है जो इनके अगल बगल है जो बड़े बड़े पदाधिकारी वो मिलने नहीं देना चाहते। तुमने किया ये सब, घबरा गए थे, 5 बार बोले, उन्होंने कहा कि आप सीएम से मिल लीजिए, ये परिस्थिति है, जब आज तक सुरक्षा नहीं मिली तो मैंने लिख दिया कि आपके जो सुरक्षा गार्ड है इनको आप वापस कर लीजिए, हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, जिनको मारना होगा मारेगा,
ठीक है तो ले लो वापस उसकी सिक्योरिटी। दूसरी बात कभी नहीं करूंगा। नहीं नहीं पप्पू जी ये मत बोलिए। के साथ भी होगा जिनको मारना हो मारे, जनता मेरी हिफाजत करेगी, आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है, आप जनता कर लेगी सुरक्षा। चुने हुए सांसद हैं और आप दिल से बोलने के लिए जाने भी जाते हैं, मैं आपको जानता हूँ। सात बार, कई बार नहीं सात बार। हाँ प्रभु सात बार, अगर आपका आपने अपना इंट्रोडक्शन सुना होता तो आपने सुन लिया होता कि छह बार से और इस बार पूर्णिया से, फिर तो पूरा आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता रहे हैं। अब आप मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। देखिए सर, आप मतलब ऐसे नहीं चलता है ना। आप एक सांसद हैं, अभी कह रहे हैं हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, सबको वापस ले लो, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखते नहीं वाई नहीं जेड कर दीजिए, फिर नहीं मिले तो आप इसको हटा दो, ऐसे तो चलता नहीं है। तो क्या आपको मौजूदा वक्त, क्योंकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि देश भर में लोग ये चैनल देख रहे होंगे, क्या आप नहीं चाहते हैं आपको जेड कैटेगरी सुरक्षा मिले, इस पर एक स्पष्ट जवाब। क्या ऐसे चलता है कि सुधीर जी को जेड प्लस मिल जाए? क्या ऐसे चलता है कि कंगना जी को जेड मिल जाए? क्या ऐसे चलता है? अरे भाई आपको उनकी सुरक्षा से प्रॉब्लम है या अपनी सुरक्षा? सुधीर कौन? छोड़िए ना, कितनों का आपने नाम लिया, ये जर्नलिस्ट है। सुनिए ना, हम पूछ रहे हैं सर, हम सिर्फ पूछ रहे हैं आपकी करंट स्टैंड क्या है पप्पू जी, करंट स्टैंड क्या है जी? मेरा स्टैंड क्लियर है, क्या मेरा स्टैंड क्लियर है? सच्चाई, मैं 24 घंटा जनता के बीच रहता हूँ, मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, मुझे ना किसी के निजी जिंदगी में दखल देना है। कौन किसको मारेगा, कौन अभी किसको बचाएगा, ये सरकार का दायित्व है, ये कानून का दायित्व है। तो मैं सरकार को जगाने का काम ट्विटर माध्यम से, सोशल मीडिया अखबार के माध्यम से, तदन के माध्यम से करता रहता हूँ। आगे तो चाहिए कि नहीं चाहिए उसने पूछा, आगे तो मैं करूँगा। मुझे जो कुछ भी ठीक बोल रहा हूँ, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब को मैंने लिख दिया है। अमित जी को लगेगा कि पप्पू जी को जरूरत है, पप्पू जी को जरूरत, खुद भाई जी बोलता रहता है। तो मैंने स्पष्ट कहा, यदि आपको लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है तो मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। बहुत गोलमोल करता है बोलने में, जो पूछा जा रहा है उसका आंसर होते हैं। पहले शुरू किया सिंपथी गेन करने के लिए, लोगों को जो जनता को जो सुने उनको ये लगे कि बहुत अच्छा है, जनता के लिए काम करता है, फलाना टमकाना, उसका बेस क्रिएट किया। उसके बाद भाई उससे बोल रहे हैं भाई पंगा तो इसी ने लिया ना, लॉरेंस बिश्नोई का तो इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, इसी ने उसको उकसाया, लॉरेंस को उकसाया, उसको ऐसे बोला दो टके का गुंडा या कुछ, मेरे को बताओ मैं सब खत्म कर दूंगा, उस टाइप का उसने ट्वीट लिखा। उसके बाद अब ये कहता है कि नहीं, उसके बाद तुम जा रहे हो और तुम मिल रहे हो उसके सदीकी के बेटे के साथ जाके तुम मिले हो, फिर तुमने कोशिश की कि तुम सलमान खान से भी मिलो, तो जो लॉरेंस के लोग हैं क्या वो ये सब देख के खुश होंगे तुमको? देखिए एक और यूट्यूबर थे जो बिहार के हैं, जिन्होंने कहा था कि 10-20 साल से जब पप्पू यादव ने कैसे आतंक मचा रखा था बिहार में, अभी हमने वो वीडियो देखा, आईएएस की वाइफ थी जिसको किडनैप कर लिया था 2 साल के लिए, तो ये सब चीजों का जब किसी का बैकग्राउंड है तो उसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पहले एक्सपेक्टेशन तो होती है कि लोग अंधे थे जब वोटिंग कर रहे थे, वो तो है, क्या लोगों को नजर नहीं आता? एक इंसान है जो 10-20 साल से अगर उसने आतंक बना रखा है अकॉर्डिंग टू बिहार के यूट्यूबर के, राइट, अगर ये ट्रू है तो आप वोट क्यों देते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आया। दूसरा लेडी ने, इन्होंने क्लियरली पूछा तुम्हारा स्टैंड क्या है, तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? स्टैंड क्या है विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, चाहिए कि नहीं चाहिए? उसका आंसर ये आता है कि जो तुम चाहो तुम्हारी मर्जी है, देनी है दो, नहीं देनी मत दो। और उसने ये भी पूछा अभी तुम्हारे पास वाई वाली सिक्योरिटी है कि नहीं है? वो उसने गोलमोली कर दिया, पर लग रहा है कि है सिक्योरिटी, तभी तो कह रहे जो है उसको भी वापस ले लो। मगर टूली स्पीकिंग चिट्ठी ये लिखी थी कि मुझे चाहिए चाहिए, अब वो क्या बोल, चिट्ठी गई मुझे चाहिए, अब आ रहा है कि आपकी जो मर्जी कर दो। और वो एक्चुअल में उससे प्रॉब्लम ये हुई है कि अमित शाह के पास गया, वो कोशिश उसने की मिलने की, ही वाज नॉट, अमित शाह वाज नॉट अवेलेबल, इसे लग रहा था इसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी, ये बोलेगा मुझे जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए, इमीडिएटली इसको सिक्योरिटी मिल जाएगी। अब वो बात बनी नहीं, भैया पंगे तुम लेते रहो, हर बंदा जो है हर जो है जिसको मन कर रहा है वो लॉरेंस को धमकाता जा रहा है, उसको ऐसे कर रहा है, तो वो उसके लोग अगर धमकी देंगे क्या सबको जी क्लास की सिक्योरिटी देता रहेगी गवर्नमेंट? बोलते टाइम सोच के बोलो ना, अनसर जब तुम्हारा लेना देना नहीं तो तुम क्यों बोल रहे हो? वो अब तुमने बोला है तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे, लोगों का टैक्स पे का पैसा भी इसमें बर्बाद होए, हद्दी है यार। चलो आप बताना आपको क्या लगता है, तो चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।